खबरों में बने रहने के लिए अपना.news को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप जुड़ चुके हैं अपना लाइफ से, और आप हैं नवीन सिंह। आज हमारे ऑफिस में एक कॉल आई और कॉल उधर से आई तो उनका कहना था कि इस देश में मैं आर्मी में काम करता हूं और मैं अपने देश के लिए लड़ूं, देश माता के लिए लड़ूं या अपनी माता के लिए लड़ूं। आज के समय में उनका कहना है कि उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, वे सुरक्षित नहीं है, उनकी बूढ़ी माँ सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम आर्मी से हैं, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए लेकर उनका कॉल आया था। हमने कहा था कि शाम में हम लोग बातें करेंगे थोड़ा, तो हम फोन लगाते हैं उनको। जी आपने दिन में फोन किया था अपना लाइफ के ऑफिस में? जी सर मैं किया था। हाँ, और आपने कहा कि हमारी बूढ़ी माता, हमारा पूरा परिवार बिखर गया है और हम भारत माता की सेवा करूं या अपनी माता की सेवा करूं, तो उसी की, हाँ उसी की सच्चाई क्या है, वो बातें क्या है। साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में नवीन सिंह, ब्यूरो चीफ हैं, उनको पूरा विस्तार से आप बताइए क्या क्या घटना हुई है। हाँ सुमित जी। जी सर नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ और उससे पहले मैं कलकत्ता में पोस्टिंग था। अभी आप सेना के किस कोर में हैं, किस पद पर हैं? मैं सर सेना के इंजीनियर कोर में हूँ। किस पद पर हैं? हवलदार हूँ सर। हवलदार हैं जी। आपके साथ क्या घटना घटी जरा उसकी जानकारी दिया जाए। हमारे साथ घटना हुई सर 20 अगस्त 2016 में, ठीक, नवगछिया के बाहुबली राजद नेता विनोद यादव की हत्या हुई थी, जिसमें मैं उसका चचेरा भाई हूँ सर। विनोद यादव के? जी सर। ठीक ठीक। और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, हमारे परिवार में टोटल आदमी सरकारी सर्विस करते हैं, मेरे दादा से लेकर हम तक, ठीक, और उस परिवार को, उसके परिवार में पूरा क्रिमिनल है और हमारे परिवार में सारा सरकारी सर्विस है। तो उनकी हत्या कहाँ पर हुई? उनकी हत्या उसके गांव में हुई। तो कहते हैं आपके चचेरे भाई हैं, तो दोनों आदमी का घर दो गांव में है? नहीं नहीं, उनके गांव में हुई, हम तो बाहर है ना अभी। तो आपका भी गाँव तो ही ना होगा? हम मेरे ही गाँव में हुई। अच्छा, गाँव में ही हुई हत्या? गाँव में हुई हत्या। तो हत्या के बाद एफआईआर हुआ? एफआईआर हुआ, उसकी बीवी, सेकंड बीवी। अच्छा, विनोद यादव की सेकंड बीवी, दोनों बीवी थी। ठीक ठीक। एक पहले प्रमोद यादव था, विनोद यादव जी का बड़का भाई, ठीक, उसकी बीवी तो विधवा हुई, ठीक, उसके बाद विनोद यादव ने इससे शादी कर लिया, प्रमोद यादव की पत्नी से, ठीक ठीक। और जब इनकी हत्या हुई, विनोद यादव जी का हत्या हुआ, हाँ बोला जाए, उस टाइम सर हम उस लोकेशन में नहीं थे, ठीक है, और फिर भी हमको पुलिस के सहयोग से, नवगछिया एसपी पंकज कुमार के सिन्हा के सहयोग से, ठीक, हमको फंसाया। तो ये एफआईआर में कितने आदमी का नाम है? एफआईआर में 15 आदमी का नाम, 15-16 आदमी का है सर। उसमें भी आपका नाम है एफआईआर में? जी हाँ सर, मेरे तीन भाई का नाम है, जिसमें अपराधी के परिवार, विनोद यादव के परिवार को हम लोगों से नहीं बनती थी सर। हाँ होता है, वो तो खैर हर समाज में होता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हम लोग सरकारी आदमी है, हम लोग क्रिमिनल से मतलब नहीं रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही टाइम हमारे परिवार को फंसाने की ही कोशिश किया जाता था। तो आपके घर से तीन अभियुक्त हुए उस एफआईआर में? जी हाँ सर। तो आपके दो भाई क्या करते हैं? एक भाई कॉलेज, नवगछिया जीवी कॉलेज में एक लैड है, ठीक, दूसरा भाई मेरा इंदौर एमपी में था, कोयला डिपार्टमेंट में। अच्छा, घटना के दिन ये लोग इंदौर ही थे आपके भाई जो इंदौर में है सो? जी हाँ, वो जो छोटा तीसरा नंबर का भाई था वो इंदौर में था। और आप अपनी ड्यूटी पर थे? नहीं, मैं रक्षाबंधन का टाइम था सर, मेरी एक ही बहन है। अच्छा। और फौज में रक्षाबंधन के दिन छुट्टी दिया जाता है। ठीक ठीक। तो मैं अपने चारों भाई को मैं बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम चारों भाई वहाँ रहना, मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहन भी फौजी है। ठीक ठीक। वहाँ रहना, मैं अपनी बहन को बुला रहा हूँ।
और सारे भाई राखी बनवाएंगे। काफी दिन से हम लोग राखी नहीं बनवाए थे, बहन रोती थी हमसे। ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर से नौगछिया एपी झा के लोकेशन में था, जो कि मैं गैस सिलेंडर ट्रांसफर करा रहा था अपने बच्चे को बाहर रखने के लिए। ठीक ठीक। उसी दरमियान विनोद यादव की हत्या हुई उधर गांव में। घटना क्या बजे उनकी हत्या क्या बजे हुई? दिन में साढ़े छह बजे शाम में सुबह साढ़े छह बजे सुबह जी। महीना अगस्त 20 अगस्त को सुबह साढ़े छह बजे हत्या हुई। 2016 तो मैंने उस दिन आप ऑन ड्यूटी नहीं था, घर पर ही थे, मैंने अपने काम में थे, गैस एजेंसी में हो या कॉलेज में हो या कहीं हो, मैंने काम में मैं बिजी था। ठीक, मैंने घटना स्थल पर नहीं था। तो सही हत्यारे का पता चला कि नहीं अभी तक? सही हत्यारे का सर तो वो तो पुलिस पता लगाएगा ना। मैंने अभी तक पता चला कि नहीं? पुलिस को पता है सर। अच्छा, तो उसका नाम FIR में है कि नहीं जो सही हत्यारा? उसका भी नाम FIR में है। अच्छा, लेकिन हम लोगों को क्यों फंसाया पारिवारिक मैटर में? आप लोग अपना विवाद था पारिवारिक, उसके चक्कर में पुलिस मैंने, हालांकि आपका नेम FIR है तो अगला पार्टी ही अपना आपका नाम रख के दुश्मनी सधाया। हाँ, क्योंकि संजय कुमार सुधांशु जो है ना नौगछिया का थाना प्रभारी था। ठीक। और SP पंकज कुमार सिन्हा था। अच्छा, नंबर वन घुसखोर था वो पंकज कुमार सिन्हा। ठीक। भागलपुर विधायक गोलो मंडल का सारू था। कौन? जो थाना प्रभारी संजय कुमार सुधांशु था। अच्छा, दोनों का फायदा उठा के हम लोगों को फंसाया। अच्छा, ये तो मामला 302 का था। अगर ठीक है, थाना प्रभारी FIR में नाम आपका रख दिया जाए, अगला पार्टी अपना दुश्मनी सहने के लिए आपका नाम रखना चाहे, थाना प्रभारी ने नाम डाला जी, तो 302 का तो सुपरविजन किए होंगे बड़े पदाधिकारी, SP DSP DSP के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने DIG को लिखित में दिया कि सर इसका अनुसंधान अपने स्तर से किया जाए, दोबारा से किया जाए। हाँ हाँ। DGP को भी लिखा साहब अपने हाथ में लेके ये अनुसंधान, हमको SIP का जांच चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। अच्छा, SIP की जांच चाहिए क्योंकि डिफेंस की होती है। ठीक ठीक। आप डिफेंस को लेकर दीजिए, वहां से टीम आएगी इसकी जांच करेगी। हाँ हाँ। लेकिन मेरे CO ने जो जांच करवाया उसने मेरे को निर्दोष पाया, जो मेरा कर्नल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गौरव बख्शी। अच्छा, उन्होंने जांच करा, हमको निर्देश पाया। तो उनको जांच करने का निर्देश कहीं से मिला था? जी हाँ, राष्ट्रपति से मिला था और आर्मी हेडक्वार्टर से मिला था। अच्छा, उसका मेरे पास चिट्ठी है। ठीक ठीक। और SP के सुपरविजन में आपको ट्रू किया गया? SP तो घुसखोर था वो, कम से कम 1.5 लाख रुपया लिया होगा। इसका कोई प्रमाण आपके पास है जो कोई अफसर घुसखोर है, ईमानदार है, इसका कोई प्रमाण आप दे सकते हैं कि SP 1.5 लाख हो या 2 लाख हो या 5 लाख हो लेकर किसी का नाम जोड़ा या छाटा? सर ये बताए जो घुस रहता है ना, कहने के लिए हम भी कह सकते हैं, अभी कह रहे थे आपके बात को काज नहीं रहे, लेकिन वह तो प्रमाणिक बात कैसे कह रहे हैं कि हाँ कोई चिट्ठी निर्गत हुआ, आपके मैंने कमांडेंट को आदेश मिला, उन्हें जांच करवाया। आप जांच करवा सर, आप खुद ऑनलाइन है, आप जांच करवाओ, मैं निर्दोष हो जाऊंगा। हम तो कोई जांच का अधिकारी नहीं, हम भी तो मैंने आपकी आपको जहां से न्याय नहीं मिला है, आपको जो न्याय, अगर आप सही है तो आपको न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए, हम तो एक संवाद सूत्र है कि आपके आपको न्याय कैसे मिले, आप जो न्याय देने वाले प्राधिकारी हैं वहां तक आपकी बात को पहुंचा दें। मैंने करीबन 40 चिट्ठी लिखा है, मेरे पास सारा चिट्ठी है मेरे पास। उसका जवाब मिला कि नहीं अभी तक? जवाब आया, जांच हो रही है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है मेरा। कोई जांच नहीं हुआ है। मेरे पास सारा चिट्ठी रजिस्टर्ड चिट्ठी है, आर्मी से चिट्ठी है, सिविल चिट्ठी भी है। ठीक। और हमारा भाई नौगछिया जेल के अंदर में बंद है। अच्छा, कसूर है तो भाई कस्टडी में है दोनों भाई की? एक तो। कितना दिन से कस्टडी में है? 2 साल से। अगर नौगछिया जाते हैं तो किसी वकील से आप पता कर सकते हैं कि नौगछिया का ADG फर्स्ट विजय बहादुर यादव विनोद यादव का खास आदमी था। विनोद यादव का बहुत ही खास आदमी था ADG विजय बहादुर यादव। ठीक। जितनी भी केसेस विजय बहादुर यादव देखता था विनोद यादव का, सारे में बड़ी बड़ी ही था। तो अभी उनका बेटा फंसा 302 में, उसको नौगछिया से ही जमानत दे दिया गया। किसका बेटा फंसा 302 में? विनोद यादव का।
तो तीन सौ दूर का एक है उसको बेल मिल गया लोअर कोर्ट से ही। लोअर कोर्ट से ही विजय बहादुर ने दे दिया। अच्छा आप बताइए कितनी बड़ी षड्यंत्र है ये। हम लोग को तो बर्बाद करने के चक्कर में पड़ा हुआ। अगर मैं फौज को छोड़ के अगर मैं अपने आप पे उतर जाऊ ना तो जानते हैं सर फौज की ट्रेनिंग क्या होती है। तो आप एक पत्र लिखे हैं, हमें पत्र में देखे हैं कि आपके घर पर ही कब्जा कर लिया है क्या वो लोग। जी हाँ। तो अभी आपके आपके परिवार के लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? कहीं से कहीं रख रहे हैं सर। और मैंने जिला प्रशासन आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं? एसपी हो कोई मदद नहीं है। एसपी निधि रानी को भी बताया था मैं। अच्छा कोई मदद नहीं हमको मिल रहा है प्रशासन की तरफ से। आप यहाँ के डीजीपी या मुख्यमंत्री से मिले या पत्राचार किए हैं? सारा चीज आपको मैं सारा लेटर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा जितना मेरे पास लेटर है। कम से कम 40-45 लेटर है मेरे पास। आपके जो कमांडिंग ऑफिसर जो जांच करवाए जी तो भी तो अपना जांच रिपोर्ट दिए होंगे ना कहीं जो जहाँ से उनको मिला होगा आदेश वहाँ जमा किए होंगे जो आपको निर्दोष या दोषी पाए। आर्मी हेडक्वार्टर ने हमको पुलिस के हेडक्वार्टर देने से मना कर दिया। अच्छा बोला नहीं हम जांच कराएंगे, हम अपने जवान की जांच कराएंगे, पुलिस को नहीं देना हमारे जवान को। अच्छा अभी तो निवेदन करते कि हमारे घर के लोग दर दर भटक रहे हैं आखिर कब तक? दो साल तीन साल ढाई साल हो गया जी। हम कब तक अपने बाल बच्चे को लेके पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब होगा चाहे हर कोई घर रहते हुए घर से बेघर है। सर पुलिस का एक ही मकसद है पुलिस और अपराधी का, नौकरिया में पुलिस और अपराधी का दोनों का गठमेल है। जज साहब जो आपको मैंने डिस्टर्ब कर रहा है चाहे उसको बेटा को बेल दे दिए 302 में जी। विजय बहादुर यादव नाम बता रहे हैं ना? जी हाँ विजय बहादुर यादव। आप उनके आप अभी बेल पर हैं? जी नहीं सर हम बेल पर नहीं हम फरारी हैं। मैंने कोर्ट के नजर में अभी फरारी हैं। कोर्ट ने फरारी करके हमको हमारे घर की कुर्की भी कर लिया लेकिन हम फरारी नहीं है भारत सरकार के अंदर में। हम तो आप ऑन ड्यूटी है सही बात है। हमारे घर की कुर्की कैसे हो गई? आर्मी हेडक्वार्टर जाना था पुलिस को। सही बात है। अगर हमारी यूनिट नहीं दे रहा है इस बात के लिए प्रधानमंत्री को लिखे कि नहीं लिखे? लिख दिया है सर सारा चिट्ठी प्रधानमंत्री को चिट्ठी है मेरे पास। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब जवाब आया है मेरे पास? तो क्या कहना क्या कर रहे हैं सेना के प्रति प्रधानमंत्री? आज देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरह से पूरा देश सेना के पीछे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और आज आज सेना ही माने कोई सेना मर के माने कुर्बान होता है जिंदा जैसे अपने बाल बच्चा से दूर है चाहे कुर्बान है। हम एक ही चीज बोलते हैं सर हमने प्रधानमंत्री साहब को चिट्ठी दिया उन्होंने हमको लिखित में जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब मिला आपको? उन्होंने बोला कि यही कि आप जो है निश्चित रूप में अपने यूनिट में अपना सर्विस करें तो बाकी हमने आपके आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। तो ठीक है मैं तो सर्विस करूं मेरा बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा मेरी बीवी कहाँ रहेगी मेरा माँ कहाँ रहेगा क्योंकि मेरा घर कोर्ट कुर्की कर लिया या पुलिस वाला तंग कर रहा है गिरफ्तारी के लिए तो ये बात इस बारे का ठीक है। आप हमको आप नौकरी तो कर रहे हैं भारत सरकार की चाहे भारत की रक्षा कर रहे हैं 130 करोड़ लोगों की रक्षा है आप मैंने लगे हुए रक्षा में और आपके घर के पांच व्यक्ति असुरक्षित नहीं है सुरक्षित है। आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी बूढ़ी माँ बेवा बीवी जो है भटक रही है तो इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय क्या ठीक है आपको तो कहा कि आप ड्यूटी में रहे आपको न्याय हम देंगे ये दिलवा देंगे। सर राष्ट्रपति का भी चिट्ठी है हमारे पास राष्ट्रपति साहब बोले कि सीधा डीजीपी को चिट्ठी मारे हैं पटना डीजीपी को कि हमको इसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो डीजीपी साहब ने हमको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि देखिए सर पुलिस और खाकी जानते ही है जेब का गर्म है तो गर्म है हम तो गर्म नहीं किसी को करते हैं फौजी आदमी है फौज के आदमी क्या है पैसा घुस देगा सारे का चमड़ा निकाल लेंगे चाहे पुलिस वाला हो या कुछ भी हो हम ना लेते हैं ना देते हैं आपको जो करना है कीजिए। अच्छा अच्छा भाई साहब हम बीच में एंट्री ले रहे हैं हम ये जानना चाहेंगे आपने प्रधानमंत्री जी को जब चिट्ठी लिखे तो उस समय क्या जवाब आया था एक बार और दोहराए जरा हम उसको थोड़ा सुनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री साहब ने लिखकर दिया कि हम पटना के गृह सचिवालय को हमने भेज दिया है चिट्ठी। अच्छा गृह सचिवालय ने कोई जवाब हमको नहीं दिया मतलब उधर से उनका जवाब तो कोई रिटर्निंग जवाब उधर से नहीं मिला है अभी तक लेकिन गृह सचिवालय का चिट्ठी आया मेरे पास कि आपका मैं भागलपुर डीआईजी है आईजी कोपरे साहब है उसको भेज दिया कोपरे साहब को मैं फोन किया था जिस दिन विनोद यादव की हत्या हुई मगर जैन साहब ऐसे ऐसी बात है साहब हमारे घर पे अपराधी जा रखे हैं मेरे बच्चे की
रक्षा कीजिए। कम से कम 20 साल से वह राज कर रहा था अपराधी विनोद यादव। मतलब ये कहा जा सकता है कि एक देश की सेवा करने वाला डरा हुआ है एक क्षेत्रीय अपराधी से, घबराया हुआ है अपराधी और पुलिस से, अपराधी और प्रशासन से। हाँ, पूरी तरीके से ध्वस्त। मतलब फौजी अपने अगर दिमाग में आ गया ना तो अपराधी और पुलिस को कुछ नहीं समझेगा। बात तो सही है, अगर देश से प्यार नहीं रहे जी तब तो आदमी तो जब सोच ही लेगा, जब माँ सुरक्षित नहीं है, भाई परिवार सुरक्षित नहीं है, उस परिस्थिति में आप योगदान भी दे रहे हैं वहाँ, ये बहुत ही प्रशंसनीय का विषय है और वाकई में आर्मी के जवान के लिए फख्र का विषय है कि इतना बड़ा परिस्थिति संघर्ष आप करते हुए, और आपने हम लोग को पूरी कहानी बताई, पूरी मतलब विश्वास के साथ अपनी रखी। हम आपके बाद पूरे देश में सेना के जवान प्रधानमंत्री पर नाच करते हैं, देश सेना पर नाच करते हैं। अभी पूरे देश के लोग बोला घटना के समय के हम लोग को आदेश करते प्रधानमंत्री, हम लोग सेना पर जाके बदला ले लेंगे दुश्मन से, और ये आदमी सेना के जवान होते घर में मात खा रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं चाहिए। एक क्षेत्रीय अपराधी, और आपने बता रहे हैं कि हमने मैंने कोई ऐसा व्यक्ति आपको बचा ही नहीं है जिसको आप लेटर नहीं लिखे हैं। हमने सर एसपी से लेके थाना प्रभारी से लेके उप प्रधानमंत्री तक चिट्ठी। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, अभी लास्टली कहाँ तक आके आपका चिट्ठी जो है कहाँ तक पहुँचा है? हमने सर करीबन 30-40 बार चिट्ठी लिखा, उसके बाद हमने बंद कर दिया। तो अभी कितना दिन से बंद किए हैं? करीबन 4-5 महीने। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या न्यायपालिका कार्यपालिका है कि आज तक 3 साल में एक केस का मैंने जांच नहीं हो सका, और आज आप परेशान है, आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से परेशान है। हम बहुत ही आर्थिक अपना मस्तिष्क से भी परेशान है। आज आप उतारू हो रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ के, लेकिन नौकरी छोड़ के आप बच्चा तो ले लीजिएगा, लेकिन आप तो बिखर जाइएगा, आपके बच्चे तो बिखर जाएंगे। हमने डिस्चार्ज दे दिया, 54 इंजीनियर रेजिमेंट बंगाल इंजीनियर की रेजिमेंट है जो कि अभी रुड़की में है, मैंने डिस्चार्ज दे दिया कि मैं अब नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मैं फौज की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आप मैसेज दीजिएगा कि नहीं अपने घर से तनाव को नौकरी गलत से, कोई भी सेना वाले भारत के कानून भरोसा नहीं करेगा और नौकरी करना नहीं चाहेगा। क्या करेगा अगर सेना को गलत सिचुएशन में फंसाया जाएगा या साथ नहीं देगा? अगर मान देश का कानून व्यवस्था सेना के साथ नहीं खड़ा उतरेगा तो कल दिन सर आप नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ना समान नहीं है, लेकिन नौकरी छोड़ना समान है सर, कल दिन मैं मर जाऊंगा। तो फिर कल कौन सेना बनेगा? चाहे कोई बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, यही तो मैं इस बात से कहना है कि आप कल नौकरी छोड़ दीजिए, आपके बच्चे वाले पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, तो फिर वो नौकरी किस काम की आगे, कानून व्यवस्था किस काम की, जहाँ की सेना आज माने दर्दर भटक करके नौकरी कुर्बान कर दे, मानसिक रूप से क्षिप्त हो जाए, उसके बच्चे सड़क पर आ जाए, उसके बीवी और बूढ़ी माँ जो है भीख मांगने को उतारू हो जाए, तो आखिर लोग सेना की नौकरी क्यों करेगा? तो आपकी सेवा आपको क्या मिला सर? मैं अगर सेना की नौकरी छोड़ रहा हूँ तो अगलपुर डिस्ट्रिक्ट नौगछिया के अंडर हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मेरे को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ रहा है। पहले आप सीधा कौन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके तीनों सेना के क्या कहते हैं जो अध्यक्ष हैं? हमने थल सेना को भी लिखा है। तो आप सीधा राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री क्या पहुंचे कि अगर हमारे मैंने काम का 72 घंटा में 24 घंटा में 1 सप्ताह में निष्पादन नहीं होता है तो मैं नौकरी छोड़कर प्रतिशोध में उतरूंगा? तो समझ रहे कि कितना समझ रहे कि अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो कितना बड़ा मैसेज आएगा पूरे हिंदुस्तान में? हमने लिखित में सारा प्रतिवेदन दे रखा है, हमने एक ही चीज में मानता हूँ सर, अब मैं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आखिर आप 2.5 साल से पत्राचार कर रहे हैं सभी कार्यालय में, सब जगह से आपको आश्वासन मिला, लेकिन आज तक इसका निदान नहीं हुआ सर, कभी नहीं। समझ सकते हैं आपके साथ यह स्थिति है तो हिंदुस्तान के आम नागरिक के साथ क्या हो सकता है? वही मैं बता रहा हूँ सर, देखिए बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री। तो सुमित जी ऐसा है, सुमित जी जी सर ऐसा है, जब सारी बात हम भी आपकी समझ गए और आपकी भी बात समझ गए, मेरी मनसा भी समझ गए, और आपके बात से हम हिंदुस्तान की क्या विधि व्यवस्था है जो लोग माइक से बोलते हैं कि सेना के लिए वो सेना के लिए ऐसा वैसा ये व्यवस्था वो व्यवस्था बोलते हैं ना सब कोई सर, और न्यायपालिका है। तो आप तो बता ही दिए कि मान लीजिए बिहार पुलिस का दरोगा हो या भारत सरकार के आईएएस आईपीएस एसपी डीएसपी साहब हो या जज साहब हो, सबने आपको चिट किया
उसके बाद आपने अपने स्तर से मैंने जहाँ भी अंतिम प्रधान तक गृह सचिवालय प्रधानमंत्री तक गए, लेकिन कहीं से आपका विधान नहीं हुआ। और हम कहेंगे अभी भी आप ध्यान रखिए, इतना दिन रखिए, तो आप जो भी पत्राचार किए हैं उसका हमको आप व्हाट्सएप भेज दीजिए। और हम तो पटना में है, मैं आपकी बात को मैंने बिहार पुलिस महानिदेशक DGP गुप्तेश्वर पांडे हुए हैं, जिन पर भी यहाँ के लोगों को नाज है, हम लोग को भी नाज है जी। और आप जो बोले हैं कि प्रधानमंत्री के यहाँ से बिहार गृह सचिव को चिट्ठी आया है, तो आपको भेजिएगा उनसे, वह चिट्ठी का प्रतिवेदन लेके जाकर उनसे ही मिलेगा कि आपके प्रत्यक्ष लोग हाथ तक काम किए हैं जी जी सर। और आपकी बात को मैं मुख्यमंत्री तक ही पहुँचाने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको न्याय हमारे माध्यम से मिल जाएगा, भगवान आपको न्याय दिला दे, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, आप जो सताए जा रहे हैं। सर मैं पुलवामा हमला में भी था, मैंने कम से कम 5 दिन तक नहीं सोया पुलवामा हमला में जी सर। हमारी करीबन वहाँ से 13 किलोमीटर मेरी लोकेशन है। अच्छा, जो मेरे को बर्बाद किया है छोड़ूंगा नहीं। सही बात है, 2 साल में तुमको लगता है 20 साल पीछे चले गए होइएगा। हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मेरी माँ की, चाहे मेरी हत्या हो जाए या मेरे परिवार की हत्या हो जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं। चाहे DIG विकास वैभव, सुमित जी आप कहेंगे अभी भी, सुमित जी मैं अभी कहूंगा अभी भी आप धैर्य रखिए, अभी भी आप विचलित न हुए, और हम लोग प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या करेंगे, आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आपके साथ, लेकिन आपके साथ भारत के, आपके साथ भारत का कानून अन्याय कर रहा है जरूर। ठीक है, तो रखा जाए जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अभी आपने जो सुना एक सेना के जवान जो सेना सेवा भर अपना ड्यूटी कर रहे हैं और उनको मर्डर केस में फंसा दिया गया, गलत तरीके से उनके भाई जेल में है, उनके घर की कुर्की कर ली गई, उनके बीवी बच्चे अब पता नहीं कहाँ है, पढ़ाई लिखाई छुटाई हुआ होगा और दर दर भटक रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री या सभी जो भी हैं राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हर कोई कहते हैं कि सेना के लिए वही करेंगे वो करेंगे, ऐसे तैयार है वैसे तैयार है, आप दूसरे देश को ललकारते हैं, पाकिस्तान को, चीन को, सारे देश को ललकारते हैं। तो अभी आप जो सुनते आ रहे हैं विगत 6 महीना से पुलवामा हमला के बाद से, ऐसा 5 साल से सब देखते आ रहे हैं कि सेना के लिए भारत सरकार इतना कटिबद्ध है, और अभी आपने सेना की दर्द भरी कहानी सुनी, तो मैं आप लोगों से रहना चाहूंगा कि आप बताइए, जब भी कोई घटना घटती है तो आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमको आदेश करें हम सेना सीमा पर जाके पाकिस्तान को मार देंगे, चीन को ही कर देंगे, इसको कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो आप बताइए सेना के जवान क्या करें आज के डेट में, जो बेचारा मानसिक रूप से बेचारा विचित्र हो चुका है और यहाँ तक उतारू हो चुका है, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो नौकरी छोड़ करके आ देंगे और हम भी अपराधी बन जाएंगे। तो मैं आप लोगों से राय लेना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और इस देश पर कितना भरोसा करना चाहिए, जब सेना के साथ यह हो रहा है गलत तरीके से, गलत केस में फंसा करके लगभग 3 साल से एक केस की जांच अभी तक नहीं पहुंच रहा है नतीजे तक, जो दोषी है या निर्दोष है। तो इन्हीं संतों के साथ हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, लेकिन सेना के दरखास्त न्याय के लिए हम इसको आप तक लेकर आवेंगे।